नमस्कार प्यारे बच्चों, हमें टीवी पर विज्ञापन देखना बड़ा ही रोचक लगता है। सबको बड़ी उत्सुकता हो रही होगी कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो विज्ञापन जो होता है सबको बड़ा ही लुभाता है। यही नहीं, टीवी पर देखते देखते छोटे छोटे बच्चे इस विज्ञापनों को गुनगुनाने लगते हैं। जगह जगह होर्डिंग्स लगे होते हैं जिसको देख कर हम बड़े आकर्षक होते हैं और चीजें खरीदने पर के लिए लालायित तो उठते हैं। तो ये विज्ञापन लेखन जो है वह क्यों आवश्यक है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके लाभ क्या है, ये हम जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। विज्ञापन शब्द वी यानी विशेष, धन ज्ञापन, इन दो शब्दों के मेल से बना है। विज्ञापन का अर्थ है किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, यानी जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है लोग उसे जानें और अधिक से अधिक अपनाएं। विज्ञापन से लाभ क्या होते हैं, विज्ञापन के द्वारा लोग जान पाते हैं कि वस्तु में क्या विशेषताएं हैं, तभी तो आप लोग खरीदते हैं, विशेषताएं जानकर ही खरीदते हैं, तथा उसकी कीमत को जानकर अपनी आवश्यकता व बजट के अनुसार वस्तु खरीद सकते हैं। तभी आप लोग जिस चीज की मांग करते हैं तो आपके माता पिता उस वस्तु की कीमत जानते हैं और फिर आपको खरीद के देते हैं। विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी यदि हमें यह विज्ञापन बनाना है तो हम क्या क्या ध्यान देंगे। पहला है, जिस वस्तु का विज्ञापन तैयार करना है उस वस्तु का चित्र बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, जिसे देखकर लोग आकर्षित हों। वस्तु की विशेषताओं के बारे में लिखते समय तुकबंदी वाले पंक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अब ये जो दूसरा उदाहरण है, टीवी में जैसे तुकबंदी वाली पंक्तियां आती है गीत के साथ आपके सामने प्रस्तुत की जाती, आप भी उसे गुनगुनाते हैं, यानी हम पर, हमारी मानसिकता पर भी वो प्रभाव डालती है, हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, हम खरीदने के लिए लालायित होते हैं। तीसरा है, प्रस्तुतीकरण में नयापन होना चाहिए ताकि ग्राहक विज्ञापित वस्तुओं को अवश्य देखे। अब यहाँ विज्ञापन दिया गया है साइकिल का, तो साइकिल का विज्ञापन क्या है, लंबे सफर तक साथ निभाए आराम का एहसास कराए, मेरा हमदम मेरा साथी, वीरा साइकिल। अगला है, कपड़े धोने के साबुन का विज्ञापन किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, कपड़ों की सफेदी जगमगाए, गहरे से गहरे दाग मिटाए, कपड़ों के साथ साथ हाथों का भी रखे ख्याल, विमल साबुन। यहाँ देखो, यहाँ किस तरह से चमकदार दिखाए गए। अगला है, बल्ब का विज्ञापन, बिजली बचाए, रोशनी से घर जगमगाए, दाम में कम काम में दम, उषा बल्ब, आज ही अपना लेकर आए, आपका अपना उषा बल्ब, उषा बल्ब। इस तरह से विज्ञापन में अगला है क्रोनीविटा का। क्रोनीविटा का विज्ञापन है, बच्चे की लंबाई और मानसिक विकास के लिए दूध में मिलाकर पिलाए, जड़ी बूटियों से तैयार क्रोनीविटा, जो एक बार पिए वो बार बार मांगे, दूध का स्वाद बढ़ाए क्रोनीविटा। तो यहाँ पर शक्ति का एहसास कराने वाला क्रोनीविटा है आपके लिए। तो इस तरह से यह विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं। आपको जो कार्य दिया जाएगा तो आपको भी इसी तरह से पूर्ण करना है। धन्यवाद।